brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये तस्वीर वायरल है जिसमें राजा भैया के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सोमवार की हैं, जब ये दोनों बीजेपी नेता राजा भैया से उनका समर्थन मांगने उनकी बेंती वाले घर पहुंचे थे। इस मुलाकात की तस्वीरें जब सोशल मीडिया में आई तो राजा भैया की बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठने लगे। देखिए कि कैसे राजा भैया इस तस्वीर में उंगली उठाए दिखाई दे रहे हैं। कहा जाने लगा कि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जिसमें राजा भैया उंगली से इशारा कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर बाहर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि फोटो में दिख रहे बाकी लोग असमंजस की स्थिति में देखे जा सकते हैं। तस्वीर को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि राजा भैया ने विनोद सोनकर को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया और विनोद सोनकर को निराश होकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। तमाम तरह की चर्चाओं और कयासों के बीच इस तस्वीर की असल सच्चाई सामने आ गई है। क्या आखिर क्या है इस तस्वीर का मर्म? क्या हुई इस मुलाकात में बात? क्या इस तस्वीर के पीछे कोई तलखी है या कुछ और कहानी? उसका जवाब सुनिए खुद राजा भैया के सबसे करीबी और उनके पार्टी के पूर्व सांसद से। अच्छा, एक आज परसों से एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। जो बीजेपी के मौजूदा सांसद है वो राजा भैया से मिलने गए थे। जब मिल के वापस आ रहे तो उन्होंने उंगली दिखाते हुए कौशाम्बी जो मौजूदा सांसद उनकी तरफ उंगली दिखा रहे थे, इसके कुछ मायने निकलते हैं? देखिए, ये भ्रामक प्रचार है। राजा से जो एक बार मिला है राजा भैया जी से, वो राजा का हो के रह गया है। बहुत ही शालीन, सभ्य और मिलनसार हैं और सबका सम्मान करते हैं। और जो फोटो दिया गया है वो एक तरीके से, देखिए फोटोएँ बहुत से होती है, हर एंगल की फोटोएँ होती हैं। उन्होंने इशारा किया कि गाड़ी नज़दीक मंगवा लीजिए, चूँकि उनके साथ MOS आपके भारत सरकार के मंत्री भी थे, विनोद सरोज जी सांसद जी थे, गाड़ी के लिए उन्होंने इशारा किया। अब उसका गलत अर्थ लगा के, अब चूँकि चुनाव में हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा ने हर व्यक्ति का, हर छोटे से छोटे व्यक्ति मतदाता का वो सम्मान करते हैं। तो यह है सच्चाई राजा भैया की बीजेपी उम्मीदवार को उंगली दिखाने वाली वायरल तस्वीर की। कहा जा रहा है कि राजा भैया ने बीजेपी नेता को नहीं बल्कि गाड़ी बुलाने के लिए उंगली उठाई थी, इशारा किया था। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि राजा भैया इन्हीं बीजेपी उम्मीदवार से खार खाए बैठे हैं। ऐसे में खुद विनोद सोनकर गए थे राजा भैया को मनाने। राजा भैया की समर्थकों के साथ बुलाई गई बैठक से पहले हुई ये मुलाकात हालांकि फुस्सही रही। राजा भैया ने अपने तेवर नहीं छोड़े तो अब यही विनोद सोनकर भी मानो राजा भैया को खुली चुनौती देने में जुट गए हैं। उनका एक और वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसकी चर्चा खूब है, जिसमें वो बिना नाम लिए राजा भैया को ललकार रहे हैं। और अब तो गुंडा और बाबागंज के अभी मैदान खाली है, खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। वैसे इन वायरल तस्वीर और वीडियो पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।